हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार, सरस्वती गुरु ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन सार्गासम। हम प्रीवियस वीडियो हम लोग थैलस स्ट्रक्चर देख चुके हैं, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो केवल आज जो बचा था वो वीडियो होगा आपका सार्गासम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यू कहें कि रिप्रोडक्शन पे यह पूरा वीडियो केंद्रित है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिप्रोडक्शन एल्गी में तीन तरह के होते हैं। एल्गी में रिप्रोडक्शन तीन तरह के होते हैं, पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों तो पाए जाते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं सार्गासम में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता इसमें, सार्गासम में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो पहला ध्यान देने वाली बात यही है कि तीनों रिप्रोडक्शन में कौन सा स्टेज या यू कहें कि कौन सा फेज नहीं पाया जाता, तो ए सेक्सुअल टाइप का जो मेथड है, जो रिप्रोडक्शन है, वो सर्गासम में नहीं पाया था। इसको पहली बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब कोई भी थैलस, अब चूंकि ये सर्गासम क्या थैलस स्ट्रक्चर है, जब कोई भी थैलस किसी भी माध्यम से टूट जाता है, अब वो फिजिकल हो, ठीक है, फिजिकली हो सकता है, फिजिकली बाय एयर, बाय वाटर, है ना, या बाय एनिमल, बाय एयर, वाटर और एनिमल, और एनी एनिमल के थ्रू अगर ये टूट जाता है, मतलब कि अगर ये थैलस है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बस, इसको एक्चुअल में स्ट्रक्चर मत समझिएगा, ये थैलस है और ये टूट जाए इस तरह से, और हर एक थैलस यहाँ से हर एक थैलस क्या करे, जर्मिनेट करे, हर एक पीस जो बना हुआ है वो जर्मिनेट करे और नए थैलस का ऑर्गेनाइजेशन करे, वही होता है वेजिटेटिव, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, पहला मेथड क्या होगा, थैलस का ये जो टूट रहा है इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जो मेथड है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अभी हमने बताया भी कि अगर थैलस, कोई भी थैलस टूट जाता है और टूट करके वो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में बदल जाता है, तो नया जो पीस होगा वो एक नया थैलस का फॉर्मेशन करेगा। अब ये नया थैलस का फॉर्मेशन करे तो वो जो रिप्रोडक्शन कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसको कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक खास बात यह होती है कि इसमें हम कहीं पर भी क्रोमोसोम लेवल को चेंज नहीं कर पाते हैं, डू नॉट चेंज क्रोमोसोम नंबर,
कभी भी हम लोग क्रोमोजोम नंबर नहीं चेंज कर पाते हैं, किसमें, फ्रेगमेंटेशन में। ये बात ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। हमने यहाँ भी दो चीज़ें बताया, रिप्रोडक्शन कैसा होता है सर्गासम में। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो होता है बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि थैलस किसी भी माध्यम से, फिजिकली, केमिकली, किसी भी माध्यम से क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है। अब फिजिकली टूटे तो कैसे, हवा बह रही है, हवा बह रही है तो टूट सकता है। वाटर का थपेड़ा, पानी का थपेड़ा, यानी पानी जोर से बाहर आ उसी में है तो भी टूट सकता है, ठीक है। या एनिमल, अगर एनिमल जा रहा है पैर के नीचे आ गया तो टूट जाएगा। तो जितना टूटा हुआ हिस्सा होगा वो क्या होगा, एक नया नए जगह पे जा करके अटैच होकर के नए थैलस का फॉर्मेशन कर लेगा, तो वहां पे क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। और वो फ्रेगमेंटेशन क्या, किसका मेथड होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही क्यों कह रहे हैं, हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही क्यों कह रहे हैं, तो उसका एक एक ही कारण है कि इसमें हम कभी भी कहीं भी किसी स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, डू नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं कर सकते क्रोमोजोम के नंबर को, ठीक है। जब क्रोमोजोम के नंबर का आप चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होगा। अच्छा यहाँ देखो जरा कि जो अगर हमने यहाँ पे जो पार्ट बनाए हैं, ये अलग अलग जो पार्ट हमने बनाया, ये अलग अलग पार्ट क्या होगा, अटैच होगा, तो इसमें भी कहीं भी फ्यूजन नहीं हो रहा किसी का फ्यूजन नहीं हो रहा, यानी कि दो गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा। जब दो गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो फिर क्रोमोजोम लेवल कैसे चेंज होगा, इसलिए यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ ऐसे इस जीनस हैं, जैसे कि स्पीसीज हैं, जैसे कि सर्गासम नेटेंस, सर्गासम नेटेंस, NATANS, सर्गासम नेटेंस, सर्गासम हाइस्ट्रिक, HYSTRICK, ये हाइस्ट्रिक, सर्गासम नेटेंस एंड सर्गासम हाइस्ट्रिक्स, ये जो स्पीसीज होते हैं, ये होते हैं फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज होते हैं। They are free floating species। और ये free floating species में, इनमें जो reproduction का जो criteria है वो vegetative reproduction ही ज्यादा इसमें पाया जाता है, ठीक है। यस नेटेंस और यस हाइस्ट्रिक, यानी कि सर्गासम नेटेंस एंड सर्गासम हाइस्ट्रिक्स, ठीक है। ये रहा आपका वेजिटेटिव। चलिए आगे मिलते हैं, देखिए अब रहा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आप लोग जान लो कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होता है, आइसोगैमस, दूसरा होता है एन आइसोगैमस, और तीसरा होता है ओओगैमस, ठीक है। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओओगैमस, तो हमने सब बता चुका है। हमारे चैनल के लिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के वहां देखेंगे, जब बॉटनी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको हम किसी न किसी वीडियो में, शुरुआत के वीडियो हमने इस पे चर्चा किया, आइसोगैमस क्या होता है, आइसोगैमस क्या होता है, एनाइसोगैमस क्या होता है और ओओगैमस क्या होता है, ठीक है। देखिए जब ओओगैमस जो होगा, हाँ हो गया, चलिए तो सर्गासम में किस तरह का पाया जाता है, तो सर्गासम में
आपका ओओगैमस टाइप का, आपका ओओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। चलिए देखते हैं ओओगैमस टाइप क्या होता है। देखो ओओगैमस में जब मेल मेल क्या होगा, यहाँ पे मेल क्या होगा, मेल छोटा होगा, स्मॉल होगा, साइज में स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और फीमेल क्या होगी, साइज में बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इन ओओगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल मेल इज मोटाइल एंड स्मॉलर इन द कंपेरिजन ऑफ फीमेल बिकॉज फीमेल इज लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान देना जरूर कि ओओगैमस टाइप का है। अगर किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज ओओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बता देना कि इन ओओगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल इज मोटाइल बट फीमेल इज नॉन मोटाइल, मेल इज लार्जर स्मॉलर देन द कंपेरिजन ऑफ फीमेल। ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए ही। चलिए, तो जो अब सेक्स ऑर्गन का जो ओरिजिन होता है, ठीक ना, तो सेक्स ऑर्गन का जो ओरिजिन होता है वो बहुत तरह के होते हैं, वो फ्लास्क शेप के भी हो सकते हैं, फ्लास्क शेप के हो सकते हैं या अथवा इनकी एक स्पेशल कैविटी भी हो सकती है। ठीक है, फ्लास्क शेप्ड या अथवा इट हैज अ स्पेशल कैविटी नोन एज कॉन्सेप्टिकल्स। जो अंडरलाइन करना है कॉन्सेप्टिकल्स को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्टिकल्स जो होते हैं, थैलस, जो थैलस आपका इमर्जिनेट होता है ना, इमर्जिनेट थैलस ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो यहां से एक रिसेप्टिकल ब्रांचेज निकलते हैं। अच्छा, रिसेप्टिकल ब्रांचेज निकलते हैं। इसी रिसेप्टिकल ब्रांचेस पे क्या होता है, कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं। मैं बता रहा हूं, मान लीजिए रिसेप्टिकल्स ऐसे ब्रांच है, ऐसे रिसेप्टिकल्स ब्रांच है, तो कॉन्सेप्टिकल ऐसे बने होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्टिकल ऐसे बने हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए, मेल इज कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड फीमेल इज कॉल्ड ओओगोनिया। मेल को क्या कहेंगे, एंथ्रेडिया और फीमेल को क्या कहेंगे, ओओगोनिया। ठीक है, मेल स्ट्रक्चर को एंथ्रेडिया और फीमेल स्ट्रक्चर को ओओगोनिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ही रिसेप्टिकल्स में
कहीं पर भी आपको मेल और फीमेल एक ही साथ सेक्स ऑर्गेन इमर्जिनेट नहीं होते हैं, सेक्स ऑर्गेन इमर्जिनेट नहीं होते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे मोस्ट ऑफ स्पीशीज, या ऐसे लिखिए मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन आर बॉर्न इन सेपरेट कॉन्सेप्टिकल्स। याद रहे एक कॉन्सेप्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर है ना, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम कंफ्यूजन वाला वर्ड जा रहे हैं लिखने, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन आर बॉर्न इन सेपरेट कॉन्सेप्टिकल्स, बट अब देखिए अगर हम कह दें कि मोनोसियस स्पीशीज, अब मोनोसियस अगर कहें डाइवोसियस कहें, मोनोसियस कहें अगर डाइवोसियस कहें, तो इससे कंफ्यूजन मत हो, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जी कह रहे हैं कि दोनों तो एक ही सेक्स ऑर्गेन अलग अलग बॉर्न होते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया डाइवोसियस। ना, डाइवोसियस नहीं हुए वहां पे। मात्र क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्टिकल्स जो है वो अलग अलग सेक्स ऑर्गेन को कैरी करते हैं, है ना, अलग अलग सेक्स ऑर्गेन को कैरी करते हैं। लेकिन मोनोसियस किसे कहते हैं, मोनोसियस ये होता है कि जब सेक्स ऑर्गेन का वो जो ओरिजिनेशन हो अलग अलग थैलस पे हो, किस पे हो, अलग अलग थैलस पे जब सेक्स ऑर्गेन का ओरिजिनेशन होगा तो क्या कहेंगे डाइवोसियस, अलग अलग बनेंगे तो क्या होंगे डाइवोसियस। और जब एक ही थैलस पे दोनों सेक्स ऑर्गेन का इमर्जिनेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे मोनोसियस, ठीक है। और रिसेप्टिकल्स क्या है, रिसेप्टिकल्स है कि एक ही थैलस है और इस एक ही जो थैलस है वो एक थैलस पे रिसेप्टिकल्स का फॉर्मेशन कर रहा है इस तरह से, ऐसे। बात समझ में आ रही होगी आई होप। देखिए ये हमने बनाया रिसेप्टिकल्स 1, 2, 3, 4 इस मतलब कोई भी स्पीसीज है उस स्पीसीज पे थैलस के ऊपर इतने रिसेप्टिकल्स लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि अलग अलग रिसेप्टिकल्स में अलग अलग सेक्स ऑर्गेन का ओरिजिनेशन होगा। मान लीजिए एक में अगर फीमेल बन रही है यानी कि ओगोनियम बन रही है तो दो में क्या होगा एंथ्रेडिया। ये जरूरी नहीं है कि दो में एंथ्रेडिया ही हो, दो में भी ओगोनिया भी हो सकता है, लेकिन कहीं भी कभी भी एक साथ दोनों सेक्स ऑर्गेन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। एक ही में ओगोनिया एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन, मान लीजिए एंथ्रेडिया लिख दें तो यह गलत होगा, ये एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं और रिवीजन कर दे रहा हूं, एक बार और मैं रिवीजन कर दे रहा हूं, जरा देख लीजिए। यहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने होते हैं, तो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह के होते हैं, आइसोनाइसो ओओगैमस। और ओओगैमस क्या होता है कि जब मेल और फीमेल क्या होते हैं, मेल मोटाइल और फीमेल नॉन मोटाइल हो, ठीक है। यहां तक तो मैंने बात समझाया, फिर मैं बताया कि जो रिसेप्टिकल्स बनते हैं वो फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर भी हो सकता है और वो कैसे स्फेरिकल भी हो सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बनाया स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और ये रिसेप्टिकल्स का एक ब्रांचिंग ही होता है, अलग से नहीं कह सकते, उसके नोड से ही इमर्ज होता है, सर्गासम के नोड पे ही इमर्ज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वही कि एंथ्रेडिया एंड ओगोनिया जो बनेगा अलग अलग रिसेप्टिकल्स पे मिलेंगे, एक रिसेप्टिकल्स पे आपको कभी भी एंथ्रेडिया चाहे ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डाइवोसियस स्पीसीज भी होते हैं और मोनोसियस स्पीसीज भी होते हैं। डाइवोसियस स्पीसीज में क्या होगा कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो गए डिफरेंट थैलस पे बनेंगे, और मोनोसियस स्पीसीज में क्या होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे एक ही थैलस पे बनेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में
आज के लिए इस वीडियो में बस आपको मैं इतना ही बता पाऊंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग जानेंगे कि एंथ्रेडिया या एंथ्रेजॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है, उसके कितने कितने पार्ट होते हैं, वो गोनिया का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो निचोड़ होगा मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक ये मेरा वीडियो आप लोग देखिए, आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाइए, और आपको मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको एंथ्रेडिया और उगोनिया का डेवलपमेंट बता दूंगा, ठीक है। तो एंथ्रेडिया और उगोनिया का डेवलपमेंट जब आप लोग जान जाओगे तब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसी में फर्टिलाइजेशन की बात कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं हमसे, आप सीधे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये क्या होता, तो हम उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो, पूरे कमेंट का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और वहाँ पे केवल और केवल आपके द्वारा जो दिया गया क्वेश्चन होगा उसी को ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching.